हेलो साथियों, मैं नौरतराम लोरोली और मेरे यूट्यूब चैनल अंबेडकर एंड पीपल्स वॉइस के ऊपर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे चैनल पर जो विषय है वो सबसे साधना सिंह पे लगातार टिप्पणियां होने जा रही है और साधना सिंह ने जिस तरीके से मायावती पर बयान दिया था उसके बाद है उनके ऊपर घेराबंदी सी हो चुकी है और पूरे भारत के अंदर उनको जिस तरीके से घेरा जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है कि साधना सिंह का ये पब्लिसिटी स्टैंड था या फिर कुछ और था, ये तो समझ में नहीं आया। लेकिन साधना सिंह के साथ साथ बीजेपी, योगी और मोदी की जो किरकिरी इस बयान के बाद में हुई है वो देखने लायक है। साथियों, कुछ ही दिनों पहले एक प्रोग्राम के अंदर जिसमें राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे और यूपी से वो मंत्रिमंडल के अंदर भी है, उनकी मुगल सराय से विधायक साधना सिंह ने मायावती जी पर है वो टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि जो मायावती जी है वो किन्नर से भी बदतर लगती है। उसके बाद है वो पूरे देश के अंदर पूरी राजनीतिक विपक्ष के जो जितने भी दल है उन लोगों ने सब ने मायावती जी के पक्ष में लेते हुए महिला का ध्यान रखते हुए पूरे देश में है वो साधना सिंह के साथ साथ बीजेपी की भी किरकिरी की गई, साथ साथ ही इस मामले में मीडिया की भी किरकिरी की गई। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मायावती जी के मामले में दयाशंकर जी ने एक बार इसी ही बदतर टिप्पणी की जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे यूपी से, उन्होंने मायावती जी पर यूपी चुनाव के दौरान एक अभद्र टिप्पणी की थी। उसके बाद में मीडिया ने उसे इतना मुद्दा उछाला था और पार्टी बीएसपी पार्टी की है वो बहुत ही खराब कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद जब अब मायावती जी के बारे में ऐसी बदतर टिप्पणी बोली गई है तो मीडिया की खामोशी है वो देखने को मिलती है। कई सारे ट्विटर्स ने तो ये भी लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर भी ये लिखा है कि जो दयाशंकर और स्वाति सिंह के मामले में कार्यक्रम करते थे टाल टाल ठोक के, प्राइम डिबेट, सबसे बड़ा सवाल, आज का शपथ, जैसे जैसे मतलब टीवी डिबेट पर है, प्राइम डिबेट, सारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए थे और स्पेशल प्रोग्राम चला के पूरे डिबेट करवाई थी। आज मायावती एक देश की सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री रही है, 4 बार मुख्यमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा की वो मंत्री सदस्य रही है। इतनी बड़ी नेत्री के ऊपर इस तरीके का अभद्र टिप्पणी के करने के बाद भी मीडिया की खामोशी इसके अंदर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। साथ ही साथ वो यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने जिस मामले में है बीजेपी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि SC ST एक्ट के तहत मुगल सराय की विधायक साधना सिंह पर है वो गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको जेल में डाला जाना चाहिए। इसी के साथ आम आदमी पार्टी की दिल्ली से विधायक अलका लांबा ने भी इस मामले में है वो पुरजोर सहयोग करते हुए उन्होंने लगातार कम से कम 4 से 5 ट्वीट अपने ट्विटर अकाउंट से लगा किए हैं और उन्होंने मायावती जी का पक्ष लेते हुए कहा है कि मायावती जी वो नारी है जो आज के 56 इंच के पुरुष के ऊपर भारी है। साथ ही उन्होंने अपने एक एबीपी न्यूज की ट्वीट को टैग करते हुए उन्होंने लिखा है कि साधना सिंह को है वो गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने भी इस मामले में लिखा है कि मायावती जी है वो पूरे राष्ट्र के लिए एक सम्मानजनक देखी जाती है और उनकी जो शक्ति है वो विश्व शक्ति के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाता है। महिला शक्ति के उन्होंने अपने जो कुछ भी आज हासिल किया वो अपने दम पर हासिल किया है। ऐसी स्वाभिमानी महिला के प्रति इस तरीके का व्यवहार है वो देखने लायक बनता है, उनकी उचित कानूनी कार्रवाई वो करनी भी चाहिए। साथ ही साथ बीजेपी को उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी को है साधना सिंह को बर्खास्त करना चाहिए। इसी मामले के अंदर है वो RJD के नेता और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उन्होंने भी है ट्विटर पर अपने अकाउंट पर लिखा है कि क्या ये मामला है वो SC ST एक्ट के अंदर नहीं आता, क्या बीजेपी को अब महिला का सम्मान नहीं दिखाई देता, क्या बीजेपी का वो जो नारा था कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार वो पूरे तरीके से फेल नजर आ रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने घेरते हुए कहा है कि साधना सिंह पर अगर कार्रवाई नहीं करती और बीजेपी चुप रहती है तो इसका मतलब यह है कि इस बयान के अंदर बीजेपी की सिकुड़ित मानसिकता है वो साफ साफ नजर आने लगी है। इसी के साथ है आम समाजवादी पार्टी के ही उत्तर प्रदेश से विधायक राजेश समाजवादी ने भी लिखा है और उन्होंने बोला है कि ये जो है वो गठबंधन होने के बाद में है बीजेपी की जो संकीर्ण मानसिकता है वो दिखाई दे रही है कि बीजेपी को एक सीट जीतने के लिए भी वो उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूर होना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ है BSP के उत्तर प्रदेश से ही एक नेता रामचंद्र गौतम ने है साधना सिंह पर FIR दर्ज करवाई है और उन्होंने ये कहा है FIR के अंदर कि मायावती जी पर जो दिया गया बयान है उससे पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश के अंदर है वो दंगा भड़क सकता है, इसलिए साधना सिंह को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मायावती के इस समाज के लिए और पूरे देश के लिए एक महिला शक्ति, उसके साथ साथ दलितों के लिए भी आवाज उठाने वाली एक नारी है, तो उसके खिलाफ अगर FIR दर्ज की कार्रवाई नहीं की जाती है तो दंगा भी भड़क सकता है, इसलिए इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए। इसी के साथ विपक्षी दलों के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस मामले के अंदर टिप्पणियां करते हुए, रामदास अठावले जो मोदी सरकार के अंदर मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है सामाजिक न्याय और अधिकार विभाग के, उन्होंने भी कहा है कि अगर साधना सिंह ने इस प्रकार का बयान दिया है तो मैं उनको कार्रवाई की मांग करता हूं कि उनके ऊपर है वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस प्रकार से है कि आजम खान जो समाजवादी पार्टी के
नेता है और कद्दावर नेता उन वो माने जाते हैं। उन्होंने भी है इस मामले में कहा है कि मायावती जी पर की गई जो टिप्पणी है वो अशोभनीय है और इस प्रकार की टिप्पणी से बीजेपी की जो सेकंडिन मान सकता है वो दिखाई देती है। इसी के साथ साथियों पूरे देश के अंदर है लोगों ने मायावती जी के इस अभद्र बनिया जो बयान दिया है साधना सिंह की उसके ऊपर उनको लगातार घेराबंदी की है। साधना सिंह ने भी इस पर खैर जरूर जताया है लेकिन ट्विटर्स और हमारे यूट्यूबर्स जो हमारे नीचे कमेंट कर रहे हैं उन्होंने भी कहा है कि केवल खेद जताने से कुछ नहीं होगा, अगर मायावती उनको माफी मांगनी है तो मायावती जी के पैरों में पकड़ के माफी मांगनी चाहिए या फिर उनको जेल में जाना चाहिए। तो इस तरीके से पूरे देश के अंदर है वो एक उभाल सा आ चुका है साधना सिंह के इस बयान के बाद, और आगे क्या होता है और साधना सिंह पर क्या कार्रवाई होती है क्या नहीं इसका तो मामले में हम आगे भी आपको बताते रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मायावती के ऊपर है वो दो नेताओं ने अभी तक इससे पहले भी और टिप्पणी कर चुकी है। एक रीता बहुगुणा है जो कांग्रेस की नेता रही है, उन्होंने भी टिप्पणी की थी लेकिन उस समय मायावती जी की खुद की सरकार थी, इस वजह से मायावती जी ने उनको जेल में डाल दिया था। माफी तो उन्होंने भी मांगी थी लेकिन बहन जी ने कहा था कि आपकी जो माफी है वो माफी के आपका जो बयान है वो माफी के काबिल नहीं है। तो उस समय उनको ये कहा गया था कि ये किसी मामले के अंदर मायावती जी ने कुछ मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए सहायता राशि प्रदान की थी, तो उन्होंने रीता बहुगुणा जी ने बयान दिया था कि मायावती जी के बलात्कार से भी ये कम राशि है, तो इसकी वजह से उनको जेल के अंदर भी जाना पड़ा था। उसके बाद में यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दया शंकर को भी देना पड़ा, जिनको जेल भी काटनी पड़ी और बीजेपी से है वो बर्खास्त की भी मिली। अब साधना सिंह को क्या मिलता है ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो साफ मकसद ये कि बीजेपी की संगठन मानसिकता इसमें शामिल थी, और क्या होता है क्या नहीं होता ये आगे हम डिबेट के साथ लाइव रहेंगे। लेकिन आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। जय भीम।